आइए आज बनाने जा रहे हैं पॉम पॉम। देखिए मैं पहले से कुछ बना कर रखी हूँ, देख सकते हैं। चाहिए इसके लिए हमें चाहिए ऊन। मैं 2 प्लाई ऊन ली हूँ, देख सकते हैं बहुत पतला वाला। इससे बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा घना लगेगा इस टाइप से, देखिए। और एक चाहिए सीजर, कैंची। चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं। दो उंगलियों के बीच में बनाएंगे, थोड़ा सा गैप रखें, इतना चौड़ा करेंगे इस टाइप से। जितनी मोटी इसमें लेयर लगाएं आप। जितना ज़्यादा इसमें मोड़ेंगे, लपेटेंगे इसको, उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा ये। एक अंगूठे के बराबर इतना मोटा करें तो ये ज़्यादा अच्छा बनता है। देखिए अभी मोटी नहीं हुई, देखिए या पतली है, थोड़ा सा और बनाते हैं इसे। थोड़ी सी और चलिए हो गया सेब, यहाँ से काट लेते हैं। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं इसे, ऐसे इसे पकड़ के रखें इस तरह से, ऐसे से लंबा धागा लें। चलिए इसे बांध लेते हैं, तो टाइट बांधेंगे इसे हम। चलिए बांध लेते हैं इसे, थोड़ा सा टाइट बांधें। फिर घुमा के इधर से भी बांध लें। एक बार और घुमा के इधर बांध लें। 2-3 गांठे लगा दीजिए इसमें, तो अच्छे से मजबूती से बंध जाएगी। चलिए इसे काट लेते हैं, इसे इसी के बराबर में पहले काट लेंगे। चलिए इसके अंदर से काटते हैं।
एक बार राउंड शेप कर लीजिए इसे, गोल मोड़ लीजिए। चलो शेप गोलाई में काट लेते हैं। से चारों दिशा से घुमाते घुमाते गोल कट कर लीजिए। जितनी बड़ी रखना चाहें उतनी दूर तक कट करें आप। ऐसे करके बिखेर के देख ले, कहीं आपको लंबा तो नहीं लग रहा है। देखिए जैसे यहाँ लंबा है। ये हमारा बनके रेडी हो गया। इसे थोड़ी सी बड़ी है, इसे चाहे तो और छोटी भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो छोटा ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, जितना बड़ा करेंगे थोड़ा सा मैं और काट देती हूँ। चारों दिशा से घुमाते हुए गोल से काट लीजिए इसको। देखिए बनके हमारा रेडी हो गया पॉम पॉम, देख सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और मेरी दूसरी वीडियो को अगर देखना है आपको तो बेल ज़रूर बजाएं। थैंक यू।